ब्राउन डॉटर, आई एम जानवी तिवारी एंड आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ नायका हॉल। मैंने ना अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें खरीदी है नायका सेल से एंड हियर आर ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड ये सारे मैंने खुद के पैसों से खरीदे हैं। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन एंड मैं थोड़ी कंजूस भी हूँ। मैं पहले प्रेफर करती हूँ मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं खत्म करूँ, फिर आगे बढ़ूँ और प्रोडक्ट्स लूँ। सो अगर आपको जरूरत है तो ही लो, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर रहे हो तो टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन फॉर नेक्स्ट टाइम। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड और मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज बाय प्लम। मुझे प्लम बहुत ज्यादा पसंद है। दिस इज देयर क्लेंजिंग बाम। आई एम डन विथ माइसेला वाटर। मेरे को अब बाम चाहिए या फिर ऐसे ऑयल्स जो आते हैं वो चाहिए। और मैंने ना थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स यूज किए तो मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों को बताती जाऊंगी। सो मैंने ये दो बार यूज किया है एंड आई लव इट। द गुड थिंग इज ये मैं मेरे आईज के अराउंड लगाती हूँ मस्कारा निकालने के लिए एंड ये बिल्कुल भी नहीं जलता है। एंड इसके साथ ना एक ये भी आता है, आई डोंट नो व्हाट डू वी से, इससे हम प्रोडक्ट निकालते हैं एंड देन वी यूज दिस प्रोडक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है एंड इट्स वेरी गुड। इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, तो पहले आप हाथ पे लो और थोड़ा सा इसे रब करके मेल्ट कर लो एंड देन पुट इट ऑन योर फेस। इस पे मुझे मिला 22% ऑफ। इसकी रियल प्राइस है 545 एंड आई गॉट दिस फॉर ₹425 विच इज सच अ गुड प्रोडक्ट। एंड या यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इवन इफ यू आर सेंसिटिव स्किन यू कैन ट्राई दिस आउट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस लैशेस। दिस इज पैक M72। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, बट दीज आर मिंक लैशेज। अगली बार मैं नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता थी मिंक लैशेज है। M72 बस मैंने ऐसे ही कार्ट में डाल लिया एंड दे लुक वेरी ब्यूटिफुल। इस पे मुझे 10% ऑफ मिला। इसकी रियल प्राइस है 375। आई गॉट दिस फॉर ₹338। देन आई ऑल्सो गॉट वन मोर लैशेज विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ। और प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में मत बोलना कि आपकी लैशेज इनर कॉर्नर से बाहर आ रही है। मेरे आईज का शेप ही थोड़ा सा वियर्ड है, लाइक मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत स्ट्रगल करते हुए लैशेज लगाने पे। सो द वन दैट आई एम वेयरिंग इज पैक लैशेज इन 53 एंड इस पे मुझे 10% ऑफ मिला है। द रियल एमआरपी इज 245 एंड आई गॉट इट फॉर ₹221। मुझे लैशेज बहुत ज्यादा पसंद है सो आई गॉट दैट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट विच इज दिस हुडा ब्यूटी स्टिक फाउंडेशन जो मैंने अभी अभी खरीदा है एंड आई एम इन द शेड टॉफी। एंड मैंने ना ये सारा के घर पे ट्राई किया था स्टूडियो पे एंड आई लव्ड इट। सो आई वाज लाइक मुझे मेरे लिए भी लेना है। आई थिंक दिस इज फॉर ऑयली स्किन टाइप बट मैं ड्राई हूं एंड आई लव इट। आई एम जस्ट गोइंग टू स्वॉच इट राइट हियर। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूद है, बहुत इजिली ग्लाइड करता है एंड इट इज वेरी गुड। लाइक एक ही प्रोडक्ट जो कंसीलर और फाउंडेशन दोनों का काम कर देता है एंड यू कैन ब्लेंड इट वेरी इजिली विथ योर फिंगर एज वेल। लव द फिनिश, वाओ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इसमें कोई भी स्मेल नहीं है विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितने का था और कितने में लिया। इस पे मुझे मिला 30% ऑफ। हुडा ब्यूटी पे 30% ऑफ इज अ बिग थिंग। सो इसकी रियल एमआरपी है 3250 एंड आई गॉट दिस फॉर ₹275 विच इज लाइक 2300 का मिला मुझे। एंड इसमें बहुत सारे शेड्स है, सी आप अपना शेड ढूंढ सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बस थोड़ा सा लगा के थोड़ा सा कवरेज लेके बाहर जा सकती हूँ सो आई लव्ड इट। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज अ ज्वेलरी राइट हियर। दिस इज बाय ज्वेल्स गैलेक्सी। मैंने ज्वेल्स गैलेक्सी के साथ मेरे 18th बर्थडे पे काम किया था व्लॉग में जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ एंड मुझे बहुत पसंद है उनके प्रोडक्ट। सो आई गॉट दिस। दिस इज अ चेन दैट हैज जे रिटर्न ऑन इट एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट एंड आई वॉन्टेड टू गेट समथिंग विथ माई इनिशियल जैसा। सो आई गॉट दिस। इस पे भी बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा था। आई गॉट दिस फॉर रुपीज की रियल प्राइस है 1329 विच मीन 1350 जितना है एंड आई गॉट इट फॉर ₹399। सच अ स्टील इट इज। आई लव दिस वन।
नेक्स्ट आई हैव अ हेयर केयर प्रोडक्ट एंड आई गॉट शैम्पू एंड कंडीशनर. दिस इज मैट्रिक्स हेयर केयर स्मूथ स्टेट शिया बटर प्रोफेशनल शैम्पू एंड कंडीशनर. मैंने ये ट्राई नहीं किया, मैंने ये ब्रांड ट्राई नहीं किया. आई वॉन्टेड टू डू इट. दिस सेज आपके बाल ये काफी टाइम तक स्ट्रेट रखते हैं. दो मेरे हेयर काफी स्ट्रेट है बट आई स्टिल वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट. और इस पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था. जो शैम्पू है उसकी ओरिजिनल प्राइस है 535. आई गॉट इट फॉर 482 रुपीज. एंड जो कंडीशनर है वो है 520 रुपीज का, विच आई गॉट इट फॉर 468 रुपीज. सो मैं एक बार इसे अच्छे से यूज करूंगी और फिर मैं इसका रिव्यू आपको शेयर करूंगी. अगर मैं भूल जाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना. आई ऑल्सो गॉट द मैट्रिक्स का स्मूथ स्ट्रेट शिया बटर स्प्लिट एंड सिरम. एंड ये भी मुझे ऑफ पे मिला, 50 रुपीज ऑफ मिला. रियल प्राइस है 500 रुपीज. आई गॉट इट फॉर 450. ये भी मैंने ट्राई नहीं किया. आई वॉन्ट टू ट्राई ऑल ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स टूगेदर एंड लेट यू ऑल नो द रिव्यू. The next thing that I have is a cream blush. This is by K Beauty. I am obsessed with tints, so I wanted to try the cream blush. मुझे powder blush बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. I don't know why. So first thing I expected, tube थोड़ा सा बड़ा होता. This is a really tiny tube. And ये मुझे पड़ा 799 रुपीज का. I am not sure इस पर मुझे कोई discount मिला या नहीं. This is in the shade flirty nude. काफी सारे shades out of stock थे, so I was like जो है मैं वो ले लेती हूँ. I'll just swatch it for you all, but ये खुल नहीं रहा है. Okay, so here's the product and I'm just going to put एकदम थोड़ा सा. So that's the shade and I'm just going to blend it. Feels really smooth. Oh, it's a nice beautiful texture. काफी अच्छा लग रहा है. काफी नेचुरल काइंड ऑफ ब्लश है और बहुत थोड़ा सा मैंने लिया था. सो या आई थिंक द क्वांटिटी कैन बी बेटर फॉर 799 रुपीज. काफी छोटा, काफी कम प्रोडक्ट है इसमें. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ हेयर केयर प्रोडक्ट. दिस इज लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने इसकी एक बड़ी बॉटल यूज कर ली है 100 ml वाली. मुझे एक्चुअली 100 ml वाली ही बॉटल मंगवानी थी बट गलती से मैंने ये मंगवा ली. बट दिस इज रियली क्यूट एंड वेरी गुड इफ यू आर ट्रेवलिंग. मैं बहुत ज्यादा यहाँ से वडोदरा आती जाती रहती हूँ. सो यू कैन यूज दिस वन. आई लव दिस प्रोडक्ट. आप बहुत तरीके से इसे यूज कर सकते हो. आप एज अ सिरम यूज कर सकते हो, हीट प्रोटेक्टिंग यूज कर सकते हो. अगर आपको थोड़ी सी शाइन चाहिए तो आप यूज कर सकते हो. मल्टीपर्पज प्रोडक्ट एंड रियली गुड. ये मुझे पड़ा रुपीज 239 रुपीज का एंड द रियल प्राइस इज 299. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिरम प्लीज गेट दिस. बहुत ज्यादा अच्छा. जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आर इनफ. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट. और ये ब्रांड मैं काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, विच इज द मिनिमलिस्ट ब्रांड. एंड दिस इज देयर सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द पैकेजिंग. इट इज वेरी मिनिमलिस्टिक एंड लुक्स वेरी गुड. बिल्कुल भी फ्लिम्सी नहीं है. इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड बहुत सारा कुछ लिखा नहीं है. मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है. आई यूज दिस एंड दिस इज वेरी वेरी गुड. दो दिस इज फॉर आई थिंक ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन. आई रियली लाइक इट. आई थिंक मेरे को थोड़ा और प्रोडक्ट पढ़ना चाहिए ऑर्डर करने से पहले, बट बहुत अच्छा लगा. मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लगा, विच इज अ गुड थिंग. सो यस, आई गॉट दिस. आई ऑल्सो हैव टू मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिनिमलिस्ट. द विटामिन B5 मॉइस्चराइजर. मैं है ना मॉइस्चराइजर ढूंढ रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग सेटाफिल फॉर रियली लॉन्ग, विच वर्क्स रियली गुड फॉर मी. बट आई एम काइंड ऑफ बोर्ड, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट. दिस इज देयर मॉइस्चराइजर. दिस इज ऑल्सो फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, बट आई लव इट, लव इट, रियली गुड. सो यू शुड ऑल्सो ट्राई इट आउट इफ यू आर ऑयली स्किन. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए. देन आई हैव मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम. मैंने ये पूरा ही कॉम्बो खरीदा है एंड ये डबल पैकेजिंग में आता है क्योंकि इसकी बॉटल बहुत ज्यादा डार्क है एंड वी नीड टू स्टोर दिस इन डार्क. दिस इज सच अ गुड वन. मैंने ये ट्राई किया था. आई लाइक टू यूज दिस एट नाइट. और अगर आप दिन में यूज करें तो मेक श्योर यू यूज सनस्क्रीन ऑन टॉप ऑफ दिस प्रोडक्ट. मुझे इसका सबसे अच्छा लगा ड्रॉपर. मतलब इतना सही और क्लासी ड्रॉपर है. इट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल. लव द टेक्स्चर. मैं आप लोगों को फटाक से थोड़ा सा लगा के बता देती हूँ. बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है एंड इट्स वेरी वॉटरी, विच आई लव. लुक्स सो गुड. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है एंड द मेन रिजल्ट यू विल गेट इन लॉन्ग टर्म. तो मैं ये बॉटल यूज करने के बाद पक्का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. एंड ऑल्सो द पैकेजिंग इज वेरी नाइस. मुझे बहुत अच्छी लगी. देन आई हैव द के ब्यूटी मैट लिप क्रेयॉन एंड दिस इज इन द शेड रूमर. ये मुझे एक बहुत सुंदर सा न्यूड शेड लग रहा था. सो आई डू नॉट प्रिफर मैं ऑनलाइन लिपस्टिक्स परचेज करूं बिकॉज आई सक एट इट. मेरी स्किन टोन पे न्यूड लिपस्टिक
लिपस्टिक्स तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं, मरून, वाइन, रेड, ऑरेंज, बाकी सारे शेड मंगवा सकती हूँ बट नॉट न्यूड. बट आई वॉज लाइक जानवी लेट्स एक्सपेरिमेंट लेट्स ट्राई इट आउट. सो आई गॉट दिस वन एंड दिस इज वेरी वियर्ड, वेरी वेरी वियर्ड. व्हेन आई अप्लाइड ऑन माई लिप्स दे लुक ब्लैक लाइक नथिंग. मेरे लिप्स नेचुरली ज्यादा पिंक है कम्पेयर टू दिस वन. ये मेरे लिप्स को काइंड ऑफ ग्रे कर देता है एंड आई थिंक ये मेरी दीदी पे अच्छा लगेगा, मुझ पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. आई एम जस्ट गोइंग टू स्वॉच इट राइट हियर फॉर यू ऑल. मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ. द टेक्स्चर इज वेरी क्रीमी, लव इट, दैट्स द शेड. बट ये मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाता नहीं है बट बहुत बहुत क्रीमी टेक्स्चर है इसका. आई एम डेफिनेटली गेटिंग मोर लिपस्टिक्स इन दिस. स्टोर पे जाके मैं नायका के स्टोर पे जाके परचेज कर लूंगी बट ऐसे मैं ऑर्डर नहीं करने वाली. एंड एक और लिपस्टिक खरीदी है मैंने. वैसे मैं इसकी आपको एमआरपी बता देती हूँ. इसकी रियल प्राइस इज 799 एंड आई गॉट इट फॉर 599 विच इज अ ग्रेट डील. अगर और अच्छा शेड मंगवाया होता तो मैं बहुत खुश होती. फिर मैंने एक और लिपस्टिक मंगवाई है विच इज बाय नायका ऑल डे मैट. दिस इज देयर लिक्विड मैट लिपस्टिक. इसकी एमआरपी है 349 एंड आई गॉट इट फॉर 297 रुपीज. बट अगेन ये शेड मेरे ऊपर थोड़ा अजीब लगता है. दिस इज लाइक अ न्यूड ऑरेंज काइंड ऑफ अ शेड. आई एम नॉट श्योर हाउ टू एक्सप्लेन दिस शेड बट काफी सुंदर लगेगा कुछ स्किन टोन्स पे बट मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. और वट आई कैन डू इज मैं एक डार्क कलर का लिप लाइनर लगाऊं देन आई अप्लाई दिस. इसका भी टेक्सचर बहुत लाइट है, बहुत इजिली ग्लाइड हो जाती है लिपस्टिक एंड बहुत ज्यादा मैट भी नहीं है एंड That's the shade. It looks very weird on my lips. फिर मैंने ऑर्डर किया है माई ग्लैम का लिट लिक्विड वेलवेट मैट लिपस्टिक. दिस इज अ रियली गुड वन. थोड़ी सी ड्राइंग है लिप्स पे बट इनका जो शेड रेंज है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई गॉट दिस वन इन द शेड सैन्योरिटा. दिस इज अ वेरी डार्क वाइन वॉयलेट काइंड ऑफ अ शेड एंड इसपे मुझे कोई ऑफ नहीं मिला. आई गॉट दिस फॉर ₹395 बट मुझे शेड इन जनरल बहुत अच्छा लगा. आई एम गोइंग टू स्वॉच इट राइट हियर एंड दैट्स द शेड. इट्स वेरी डार्क, इट्स वेरी आउट देयर एंड लाउड विच आई लव. मुझे डार्क शेड्स बहुत ज्यादा पसंद है. इट इज सिमिलर टू व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ बट थोड़ा सा वॉयलेटिश टोन में है और मुझे वाइन कलर और ऐसे सारे शेड्स बहुत ज्यादा पसंद है. आपको दिख रहा होगा. सो आई गॉट दिस फॉर ₹395. देन आई हैव दिस शुगर विंगमैन वाटर प्रूफ माइक्रो आई लाइनर. दिस इज इन द शेड ब्लैक एंड ये मैंने ₹499 का लिया है. सो आई हैव बीन यूजिंग द लैक का जो ₹100 की बॉटल आती है वो और वो बह जाता है. सो आई वॉन्टेड समथिंग वाटर प्रूफ एंड इसका वो भी बहुत अच्छा है. इट इज वेरी एकदम ऐसे शार्प एंड मैं अच्छे से विंग वगैरह बना सकती हूँ. ओ वाओ, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बहुत इजिली ये ग्लाइड हो रहा है स्किन पे एंड आईज पे भी होगा सी. एंड आप इसको मोटा पतला दोनों तरीके से यूज कर सकते हो. आप एकदम पतली लाइन भी कर सकते हो और मोटी लाइन भी कर सकते हो विच इज अ ग्रेट थिंग. आई लव सच आई लाइनर. आई होप ये जल्दी से ड्राई आउट नाउ. दैट्स द ओनली कंसर्न दैट आई हैव. सो या आई गॉट दिस फॉर ₹499. The next thing that I have is the Laneige water sleeping mask. Now I wanted to try something new and मुझे Laneige के lip balm बहुत ज्यादा पसंद है. So I was like ये भी बहुत अच्छा होगा. It is good as the name says water sleeping mask. The consistency is very watery and this will keep you very moisturized. But I think जो Clinique का moisture surge है ना उसको कोई भी beat नहीं कर सकता है. It also comes with a very cute spoon like this and the consistency is very nice, very easy to glide on and it feels really good. आपको एकदम ऐसे ठंडक लगेगी जैसे ही आप लगाओगे. It really stands by the name and the packaging is also very cute. तो इसकी real price है ₹1850 and I got it for ₹1480 and इसके साथ मुझे एक और छोटा सा product free मिला है. This is the Sisa sleeping mask. ये मैंने अभी तक try नहीं किया है but this also looks very cute. I would love to try out these products. So I got this. फिर मेरे पास है K Beauty का HD Liquid Concealer. This is in the shade tan which is a very good shade for me. मैंने ऐसे guess करके मंगवाया and I'm proud of myself for doing this. कि मैंने सही shade मंगवा लिया है. And I wanted to try this product for really long. I am into concealers right now. I'm not into liquid foundation. So I got this. काफी अच्छी consistency है और बहुत easily blend भी हो जाता है. मैंने इसे एक बार लगा के देखा
एंड इट स्मेल्स लाइक द फाउंडेशन दैट दे हैव, काफी सिमिलर इन दोनों की स्मेल है. सो यस, इसकी रियल प्राइस है 799 एंड आई गॉट दिस फॉर ₹599. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज ऑल्सो वन मोर कंसीलर. मैंने ये शालिनी को यूज करते हुए देखा था एंड बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने इसका शेड भी शालिनी दीदी से ही पूछ के मंगाया. आई एम इन द शेड 34 आलमंड और ये मुझे काफी अच्छे ऑफ पे मिला. इसकी रियल प्राइस है 400 एंड आई गॉट इट फॉर ₹280 एंड ये मुझे खुल नहीं रहा है. ओके, सो हियर वी हैव द प्रोडक्ट. इट इज क्वाइट सिमिलर टू द फाउंडेशन की पैकेजिंग. ऊपर रोज गोल्ड है एंड देन यू हैव द प्लास्टिक पैकेजिंग गोइंग ऑन. ये शेड मेरे लिए काफी अच्छा मैच है. दिस इज लाइक माई शेड और जो के ब्यूटी वाला है दैट इज लाइक अ हाइलाइटिंग शेड जैसा. That's how it is. और मेरे अंडर आई पे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है एंड इसकी स्मेल बहुत ज्यादा फाउंडेशन की तरह है. ये काफी ऐसे दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस विच आई काइंड ऑफ लाइक. आई डू नॉट हेट द लैक्मे स्मेल. सो यस, बट अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है तो डू नॉट गेट दिस वन. दिस हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इन इट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज अ न्यू स्किन केयर ब्रांड दैट आई हैव ट्राइड. दिस इज द कील्स. ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया. दिस इज द क्लेंजर. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड ये भी मैंने यूज किया. लव इट, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा. ये भी मुझे ऑफ पे मिल रहा था तो मैंने ले लिया. न्यू प्रोडक्ट ऐसे मेरे को ट्राई करने का मन कर रहा है बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग माय रेगुलर प्रोडक्ट्स अ लॉट. सो आई वाज लाइक लेट्स स्विच अप आवर स्किन केयर रूटीन. सो आई गॉट दिस फॉर ₹563 एंड द रियल प्राइस इज ₹750. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आई होप ये मेरे स्किन को कुछ ऐसे डिफरेंस दे. देन आई ऑल्सो गॉट द कील्स अल्ट्रा फेशियल क्रीम. दिस इज रियली गुड. ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है एंड दैट्स हाउ द टेक्सचर इज. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट हियर. काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड इसके बाद मुझे कुछ भी लगाने का मन नहीं करता. मतलब ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है बेसिकली एंड ये भी काफी एक्सपेंसिव था. इसकी रियल प्राइस है ₹1650 एंड आई गॉट इट फॉर ₹1238. सो ये ब्रांड ओवरऑल थोड़ी एक्सपेंसिव है बट मुझे ऑफ पे मिल रही थी तो मैं ट्राई आउट कर रही हूँ. और ये दो प्रोडक्ट्स के साथ मुझे फ्री आया कील्स पावरफुल स्ट्रेंथ लाइन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेट. दिस इज विटामिन सी, 12.5% विटामिन सी प्लस हाइलुरोनिक एसिड. ये एक छोटा सा ट्यूब आया. आई थिंक यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन योर स्पॉट जैसे मैंने कल यहाँ पे रात में लगाया था. लेट्स सी, बहुत छोटा सा ट्यूब है, फर्क पड़ता है या नहीं. फ्री का प्रोडक्ट है, बिल्कुल ट्राई करके देखेंगे. देन आई ऑल्सो गॉट द माइसेला क्लेंजिंग वॉटर. दिस इज द सेम ब्रांड कील्स का प्रोडक्ट है एंड ये मुझे पड़ा फ्री में. Now I have some shaving products with me and I am in love. So मुझे ना बॉडी शेव करना पसंद है और मेरे आईब्रोज में थ्रेड करवाती हूँ. फेशियल जो अपर लिप्स है दैट डिपेंड्स, अगर बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो आई माइट गो फॉर वैक्सिंग, नहीं तो थ्रेडिंग. या फिर एक ट्रिमर भी है मेरे पास जो आपको नायका पे या फिर कहीं पे भी अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा. लाइक इट्स अप ऐसे बेसिकली आपके बाल ट्रिम कर देता है वो. इट्स लाइक अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन. सो आई यूज दैट बट यूजुअली फॉर माय बॉडी आई प्रेफर शेविंग. आई डू नॉट वैक्स बिकॉज मुझे बहुत ऐसे छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं. आई हैव बीन शेविंग फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स नाउ एंड आई हैव नेवर यूज्ड अ फोमिंग जेल फॉर माई शेव. आई डोंट नो वाई आई वॉज मिसिंग आउट ऑन दिस प्रोडक्ट. ये मैंने कोई ऑफ पे नहीं लिया. दिस इज जिलेट सैटिन केयर सेंसिटिव स्किन शेव जेल विथ एलोवेरा एंड मुझे एलोवेरा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है बट दिस वन इज रियली गुड. सो ये वैसा फोम नहीं है जो आपके पापा दाढ़ी बनाते हैं और मतलब वो क्या वो निकलता ही फोम जैसा है. ये थोड़ा कंप्रेस होके निकलता है और फिर ये बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा पानी लेके आप इसे रब करोगे तो बहुत अच्छे से फोम होता है. अगर आपको शेविंग ट्राई करनी है तो प्लीज गेट दिस प्रोडक्ट एंड देन ट्राई शेविंग. इसकी एमआरपी है ₹225 एंड आई गॉट इट फॉर ₹225. देन आई ऑल्सो गॉट वीनस स्नैप. मैं वीनस के ही रेजर यूज करती हूँ एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट बिकॉज फर्स्ट थिंग बहुत ज्यादा क्यूट पैकेजिंग है एंड सेकेंड थिंग आई कीप ट्रेवलिंग टू वडोदरा एंड आई वॉन्टेड समथिंग जिसके अंदर मैं रख के ट्रेवल कर सकूँ. वो बड़े वाले मुझे टॉवेल में या किसी चीज में रैप करके लेके जाने पड़ते हैं. सो दैट्स हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड इट्स वेरी वेरी क्यूट. लेट मी ओपन एंड शो इट टू यू ऑल. दैट्स द प्रोडक्ट. आई हैव यूज्ड दिस टुडे एंड इट इज वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा. द ओवरऑल जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस. सो दिस प्रोडक्ट कम्स विद 3 रेजर्स इन टोटल एंड ये मुझे ऑफ पे मिला. इसकी रियल प्राइस है 799 एंड आई गॉट इट फॉर ₹679. मैंने दो प्रोडक्ट लिए हैं, एक मेरे लिए और एक दीदी के लिए. एंड इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू ट्राई शेविंग डेफिनेटली गेट दिस वन एंड डू नॉट फॉरगेट दिस.
दिस वन. ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है जो ऑफ पे नहीं लिया है, बट आई लव दिस वन. और मैंने जो कुछ भी के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लिए उसमें मुझे फ्री मिला ये के ब्यूटी का मेटल शो आई शेडो स्टिक. दिस इज इन द शेड हाई बॉर्न. दिस इज लाइक अ ऑलिव मेटलिक शेड. आई जस्ट वॉच इट फॉर यू ऑल. आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ मेटलिक आई शेडोज एंड स्पेशली ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं, बट अगेन बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत इजिली ग्लाइड हो जाता है. इफ यू लाइक दिस शेड डेफिनेटली यू कैन गेट इट. काफी ज्यादा ग्रीनी ग्रीनी शेड है जो मैं मेरे आईज पे शायद कभी नहीं लगाऊं. आई ऑल्सो वॉट ये जिंजर लीफ हिबिस्कस फॉर्मिंग मास्क. मेरे को लगा था ये चाय बना के देंगे. दिस इज देयर ओवरनाइट मास्क एंड ये एक फ्री प्रोडक्ट है. दिस इज बाई कील्स ओनली, जिनका मैंने बहुत महंगा महंगा स्किन केयर खरीदा है उनसे. एंड ऑल्सो मैंने एक और शेड लिया है माई ग्लैम लिक्विड मैट वेलवेट लिपस्टिक का, विच इज ओके बूमर, क्योंकि मुझे और दीदी को ये शेड बहुत ज्यादा पसंद आया. दिस इज लाइक अ ब्राउन शेड एंड वेन एवर आई अप्लाई दिस यू ऑल कीप आस्किंग मी कौन सा है. इट्स नॉट डीप डीप ब्राउन बट इट इज नॉट लाइक अ न्यूड शेड एज वेल. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट शेड एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. इट गोज ऑन माई स्किन टोन, दीदी स्किन टोन बोथ. That's the shade, this one right here. It looks beautiful. कैमरे पे थोड़ा रेड लग रहा है बट जब लगाते हैं लिप्स पे तो इट इज ब्राउन, लाइक लिटरल ब्राउन. ओके बूमर, अगर आपको कोई एक अच्छा लिप शेड चाहिए डेफिनेटली गेट दिस वन. इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट समवन गेट दिस वन. ये थोड़ा सा ड्राइंग है लिप्स पे बट काफी अच्छा लॉन्ग लास्ट कर जाता है. एंड आई यूज द लनेश लिप बाम विच इज वेरी मॉइस्चराइजिंग, सो ओवरऑल इट वर्क्स. देन आई गॉट फ्यू प्रोडक्ट्स जो मैंने ना ऑफलाइन शॉप किए, मैंने ये सेल में से शॉप नहीं किया बट रिसेंटली मैंने थोड़ी लिपस्टिक्स बताई है विच आर ऑन सेल राइट नाउ, सो मैं आपको दिखा देती हूँ. आई गॉट दिस फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक, यहाँ मैं मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा यूज किया करती थी. एंड दिस इज इन द शेड किस रबी 13 एंड इस पे काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है. इस पे आपको 40% ऑफ मिल रहा है. इसकी रियल प्राइस है 299 एंड यू विल गेट दिस ऑन ₹179 विच इज अ ग्रेट डील. थोड़ा सा मैट काइंड ऑफ अ शेड है, थोड़ा सा ड्राइंग है लिप्स पे बट गुड ओवरऑल गुड शेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट. दैट्स हाउ इट इज. इट्स लाइक अ लाइट पिंक, आप थोड़ा सा लगा के रख सकते हो या फिर आप इसको चीक पे भी यूज कर सकते हो. इट्स अ वेरी ऐसे मल्टी यूजर प्रोडक्ट. एंड आई हैव वन मोर लिपस्टिक फ्रॉम फेसेस कैनेडा. दिस इज देयर अल्टिम प्रो मैट लिप क्रायोन. दे आर वेरी गुड एट लिप क्रायोन. फेसेस कैनेडा के लिप क्रायोन आर क्वाइट पॉपुलर एंड काफी अच्छे आते हैं. सो दिस इज इन द शेड नॉट सो फाइन 17 एंड दिस इज द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. काफी सुंदर शेड है. आई लव डार्क लिपस्टिक्स ऑन माई शेड, लाइक बहुत अच्छी लगती है डार्क लिप्स पे एंड दिस इज द शेड राइट हियर. मैंने ये थोड़ा सा एक और लिपस्टिक के साथ मिक्स किया, आई एम नॉट श्योर कौन सी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. दिस कम्स विद अ शॉर्पनर एंड इस पे भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है. दैट्स आई एम टेलिंग यू ऑल. दिस इज फॉर ₹849 एंड इस पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग दिस फॉर ₹425. आई एम साउंडिंग लाइक अ नापतोल आंटी बट अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ. द लास्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज द कलर बार सिंफुल मैट लिप कलर एंड ये एक्सपेंसिव लिपस्टिक है. लाइक मैंने ये बिना ऑफ के भी ली हुई है बिकॉज द पैकेजिंग इज वेरी वेरी गुड. इट इज लाइक अ मेटलिक पैकेजिंग, बिल्कुल भी फ्लिम्सी नहीं है एंड दे ऑल्सो हैव लाइक मैग्नेट गोइंग ऑन. सो दे हैव स्पेंडेड गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन द पैकेजिंग एज वेल एज वेल एज द प्रोडक्ट. ये बहुत अच्छा है. द टेक्स्चर इज वेरी लाइट, इट इज मैट, इट इज नॉट ड्राइंग. एवरीथिंग दैट यू नीड इन अ लिप स्टिक वो इसमें है एंड दिस इज इन द शेड वन सिन सिनफुल मैट एंड ये अभी आपको 25% ऑफ पे मिल रहा है. इसकी एमआरपी है 1200 एंड यू आर गेटिंग दिस ऑन ₹900. आई एम क्विकली गोइंग टू स्वॉच इट ऑल फॉर यू हियर. दिस इज द शेड. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड शेड. जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है ना वो मतलब डू नॉट गेट द नाइका वन एंड डू नॉट गेट द के ब्यूटी वन. बाकी सारे लिप शेड्स बहुत अच्छे हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. आई नो दिस वॉज अ लॉन्ग हॉल. मैंने 15,000 प्लस अमाउंट कुछ स्पेंड किया है एंड आई एम नॉट दिस पर्सन बट अगर अच्छे डिस्काउंट मिलते तो खरीद लेनी चाहिए चीजें. सो या आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू डिड लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.